सपा के अंदर महिलाओं ने खोला स्वामी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा, जिसने रामचरितमानस पर उठाया प्रश्न उसी की हो गई फजीहत। एक ऐसा बयान जिसने कर दिया सपा को शर्मसार। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान से राजनीति के मंच पर हलचल तेज हो गई थी। श्री राम को मानने वाले लोगों में जिसने भी ये बयान सुना वो गुस्से से लाल हो गया। तो कोई ऐसा भी था जो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए इस बयान का समर्थन भी कर रहा था। खैर, लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया। लेकिन इन्हीं सब के बीच जिस पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, उसी कार्यकर्ता के घर से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए इस बयान का मुखर विरोध किया गया। अब ये विरोध क्यों था, किस लिए था, ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर ऐसा क्या कह दिया कि इसने श्री राम को मानने वालों के तन मन में आग लगा दी। अब ये आग लगे भी क्यों ना, आखिरकार भारत में सभी को अपना धर्म अपने हिसाब से स्वीकार करने की पूरी इजाजत है। लेकिन किसी भी दूसरे धर्म की आलोचना करके किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी में क्या उनकी ही पार्टी में उनके विरोध के स्वर उठने लगे। हम सबसे पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया वो चर्चित बयान सुनाते हैं जिसने हिंदू धर्म पर एक प्रश्न लगा दिया है। की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। और इस बयान के बाद से सपा की सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर रोली तिवारी लगातार स्वामी प्रसाद पर हमला बोल रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट स्वामी प्रसाद के खिलाफ किए। एक ट्वीट में योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सपा नेता पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद को शास्त्रार्थ करने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो हार गयी तो राजनीति छोड़ देंगी। रोली तिवारी ने लिखा कि हर तरफ सनातन धर्म के खिलाफ साजिश कर हिंदू जातियों को बांट कर क्या देश में गृह युद्ध जैसी भूमिका रची जा रही है। वहीं दूसरी ट्वीट में उन्होंने सीएम योगी से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की। आगे उन्होंने इसमें लिखा है कि यूपी में धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष फैलाने की चेष्टा करने वाले स्वामी प्रसाद पर NSA रासुका लगाई जाए। वहीं जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है तब से ही लोग लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान की आलोचना कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच जब से उन्हीं की पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रोली तिवारी जो बात कही है तभी से सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।